मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ। पहला 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है, पांचों क्वेश्चन 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है, आखिरी का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है, वो भी 5 अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग हर रोज रात 9 बजे सिर्फ संडे को छोड़ करके मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। 10वें क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। आपका डेली प्रैक्टिस भी होता रहेगा, आप समझिए ना। डेली मेरे साथ 10 चैप्टर सोल्व कीजिए, 5 मैथ का और 5 रीजनिंग का। आइए आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr। वृत्त का परिधि आप लोग ये सब याद में रखिए तो कैसे बनेगा सवाल, हल्का सा वैसे बच्चा वाला सब चीज़ें। वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr। वृत्त का परिधि कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि होता है 2πr। वृत्त का परिधि दिया 22 सेंटीमीटर, मतलब इतना का मान इतना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है 2 गुना। अब पाई का मान तो दिया नहीं है, पाई का मान कितना होता है ऑलरेडी, कितना लिया था, 22/7, आर पता नहीं, बराबर 22। ठीक है, देखिए 22 ऊपर ऊपर 22 तो कट जाएगा। चलिए, अब उधर कुछ नहीं बचा था, एक बचा 2 है, ऊपर आर है, 2r हो जाएगा, 7/1, 1/1 कोना कोनी गुना होगा, कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा, 2r/7 हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 7/2, इतना ही रहने दीजिए। अभी आर बराबर क्या निकल गया, आ गया 7/2 यहाँ से। ठीक है, तो पूछा क्या यार, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का परिधि दिया होता है इतना, ठीक है, आर निकाल लिए हम लोग, अब बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई का मान नहीं दिया होगा, कितना हो जाएगा, 22/7, r² है, मतलब r को 2 बार लिखना है, r है 7/2, तो 7/2 स्क्वायर है, तो फिर से एक बार 7/2, ठीक है, r² हो गया। चलिए, 7 से 7 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो 2 से काटिए, 2 से 11/12, 11 को 7 से गुना कीजिए, कितना 77, अब बटे कितना आ गया 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 3 × 2 = 6, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 1 बचेगा, पॉइंट बैठाइए 0, 5 × 2 = 10, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 38.5। ठीक है, वृत्त का परिधि दिया हुआ था, निकाल लिया आर का मान उससे, क्षेत्रफल पूछ रहा था तो रख दिए क्षेत्रफल में, आंसर क्या निकल गया, 38.5 किस ऑप्शन में, देखिए तो 2 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई या चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। चलिए देखिए, इस टाइप का सवाल जब भी रहे ना, इस टाइप का सवाल जब भी रहे जो कंटिन्यूसली घटना हो, मतलब 30% बढ़ रहा है फिर 20% बढ़ रहा है, तो बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप प्रकार का सवाल जब भी रहे तो इसको हम लोग ए बी फार्मूला से बनाते हैं। ए बी फार्मूला क्या होता है, a + b + ab/100, इसको हम लोग ए बी फार्मूला से बनाते हैं, a + b + ab/100। अब देखिए अब वृद्धि रहेगा तो प्लस में लीजिएगा, हानि रहेगा तो माइनस में लीजिएगा, उतना तो समझ में आता ही होगा आप लोग को। अब देखिए, तो 30% अब 20% दोनों इसमें वृद्धि हो रहा है, दोनों बोल रहा है इसमें 30% तथा 20% की वृद्धि की, दोनों में वृद्धि हो रहा है तो दोनों में तो प्लस में ही लेना है। ए को मान लीजिए 1 को 30% और 1 को मान लीजिए 20%। कंटिन्यू का घटना होता है ना, जो जब भी 2 कंटिन्यूसली घटना होगा उसको हम लोग ए बी फॉर्मूला से ही बनाते हैं इससे ही। तो ए को मान लीजिए 30, बी को मान लीजिए 20, अब प्लस ए बी है तो ए है 30, अब बी है 20, बटे क्या है 100 है, 1 0 1 0 2 0 खत्म। ठीक है, 30 और 20 50 50, अब प्लस 3 × 6 50 और 6 कितना हो जाएगा, 56, कितना आ गया आंसर, 56%। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी रहे आप लोग ए बी फॉर्मूला से ही बनाइएगा, 56% किस ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा 56%। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात इतना दिया। ठीक है, 2 रेलगाड़ी का चाल का अनुपात इतना दिया, पहला रेलगाड़ी मान लेते हैं, दूसरा रेलगाड़ी, 2 रेलगाड़ी का चाल का अनुपात कितना दिया हुआ, 5:7, कोई दिक्कत, चलिए आगे।
यदि पहली रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो किलोमीटर पर घंटा में दूसरी रेलगाड़ी का चाल क्या होगा। देखिए, यदि पहली रेलगाड़ी क्या बोल रहा है, पहली रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर। अच्छा देखिए, तो आप लोग जानते होंगे चाल बराबर क्या होता है, सिंपल सा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दूरी बटे समय। तो पहली रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी, दूरी कितना है पहली रेलगाड़ी के बाद बोल रहा है, पहली दूरी कितना 300 किलोमीटर दूरी, 3 घंटे में समय। तो चाल निकल जाएगा यहाँ, चाल बराबर क्या आ जाएगा, 3 को काटिएगा 300, 112 में चाल कितना आ गया 100। पहली रेलगाड़ी 300 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे में तय कर रही है, तो पहली रेलगाड़ी का चाल कितना आ गया 100। पहली रेलगाड़ी का चाल कितना है 100, तो दूसरी रेलगाड़ी का पूछ रहे हैं चाल। अब देखिए, तो आप पहली रेलगाड़ी का चाल ऐसे 300 किलोमीटर दूरी को पहली रेलगाड़ी 3 घंटा में तय करती है, मतलब उसका चाल है 100 किलोमीटर पर घंटा। पहली रेलगाड़ी का चाल कितना है 100 किलोमीटर पर घंटा, ऐसे है उसका 100 किलोमीटर पर घंटा चाल, अनुपात में कितना है 5। आप समझिएगा बात को, पहली रेलगाड़ी का चाल ऐसे है 100 किलोमीटर पर घंटा, अनुपात में कितना है 5। तो यही 5 का ही मान है 100, अनुपात 5 बराबर क्या है 100 है। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, काट दीजिए 15 10 20, अनुपात 1 का मान क्या आ जाएगा 20, कोई दिक्कत, अनुपात 1 का मान आ गया 20। तो पूछ रहा है दूसरा गाड़ी का चाल कितना होगा, तो दूसरा गाड़ी है अनुपात में 7, अब 1 का मान है 20, तो 7 का मान क्या होगा 20 × 7 = 140। दूसरा गाड़ी का चाल कितना आ गया 140। अब 1 का मान आ गया अनुपात 1 का मान है 20, अनुपात 7 का मान, तो 7 को 20 से गुना कर दीजिए कितना आ गया 140। दूसरा गाड़ी का चाल कितना है 140 किलोमीटर पर घंटा, किस ऑप्शन में है 2 नंबर ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की तिगुना हो जा रहा है। देखिए, कोई भी धनराशि स्वयं का यदि तिगुना हो जा रहा है, मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कोई भी धनराशि यदि अपना स्वयं का अपने खुद का 3 गुना हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मतलब 100 है तो 300 हो जा रहा है, कोई दिक्कत, आप समझिएगा। कोई भी धनराशि अपना स्वयं का अपना खुद का 3 गुना हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी चीज़ 100% में होता है, 100 है वो 300 हो जा रहा है। कोई भी धनराशि अपने खुद का स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 100 होगा 300 हो जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, आप 300 मत मान लीजिएगा, 3 गुना हो रहा है तो 300 नहीं मानना है, 3 गुना हो रहा है तो मतलब 100 से 3 गुना 300 हो गया, बढ़ कितना रहा है, ब्याज कितना बढ़ा है 200, यही तो समझने वाली बात है, आप लोग अच्छा समझिएगा। कोई धनराशि स्वयं का अपने खुद का 3 गुना हो गया, तो आप लोग उसको 300 मत मान लीजिएगा, मान लीजिए वो पहले था कोई चीज़ 100% में होता है, 100 में था तो वो 3 गुना हो गया 300 हो गया, तो भैया तो 100 पहले से था ही, कितना बढ़ा है 200, ब्याज कितना बढ़ा है 200। अच्छा, परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है, परसेंटेज ब्याज बराबर होता है रेट गुना टाइम, कोई दिक्कत, परसेंटेज ब्याज बराबर होता है रेट गुना टाइम। अब परसेंटेज ब्याज कितना है 200, कहीं 100 का 3 गुना हो जाता है, मतलब कितना ब्याज है, 100 तो खुद में है, इसमें 100 भी जुड़ल है, 100 का 3 गुना हो गया मतलब 300 हो गया था, इसमें तो खुद भी पहले वाला भी जुड़ल है, तो 200 ही बढ़ रहा है, परसेंटेज ब्याज कितना है, ब्याज है 200। चलिए, तो कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है 5% की दर से, रेट क्या है 5% की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, रेट टाइम पूछ रहा समय, इसको एक्स मान लीजिए, रेट था 5, ब्याज था 200, 3 गुना हो रहा है तो 200 बढ़ रहा है, 100 से 300 क्या 200 बढ़ रहा है। चलिए, अब देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, गुना वाला नीचे आ जाता है 200/5, काट दीजिए 5 × 20, 40 बार में एक्स का मान कितना आ गया, मतलब कितना साल में, 40 साल में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा 5% के दर से, किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 40 साल ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्यू के फॉर्म में है, 512 है, ठीक है, आगे क्या है प्लस, रूट में है 169 है, आगे क्या है प्लस, फिर क्यू के फॉर्म में है, प्लस है और फिर क्यू के फॉर्म में है, कितना है 216, ठीक है 216 है, फिर क्या है प्लस, स्क्वायर के फॉर्म में 225 वर्ग है, ठीक है। देखिए, अब इसका मान पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन सबको ना पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, ठीक है, इतना दिया हुआ इसका मान पूछा जा रहा है। हम आपको देखिए हमेशा से बोले हैं,
कि आप लोग 20 से 30 तक कम से कम स्क्वायर और क्यू जरूर याद रखिएगा, आपका एग्जामिनेशन हॉल में ना बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्यू के फॉर्म में है 512 किसकी का क्यू होता है, क्या 512 किसी का क्यू होता है, हाँ होता है, किसका क्यू होता है आपको याद रहेगा तब ना, 8 का क्यू होता है, इसलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपका टाइम भी बचेगा सवाल भी जल्दी बनेगा। 512 किसका क्यू होता है, 8 का। चलिए प्लस ये देखिए वर्ग में है तो 169 का, 169 का वर्ग कितना होता है 13 का स्क्वायर होता है 169। प्लस फिर देखिए क्यू के फॉर्म में 216 किसी का क्यू होता है, क्या हाँ होता है, 6 का, 6 का क्यू होता है 216। अब फिर वो स्क्वायर वर्ग में है 225 तो 15 का स्क्वायर होता है 225। कोई दिक्कत, सबको जोड़ दीजिए आप, 15 छः कितना है, 15 छः 21, 21 3 24 10 34, और 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 42 34 और 8 कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया हम लोग कितना आ गया 42 आ गया, किस ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, देखिए हम आपको रोज रात 9 बजे सिर्फ संडे को छोड़ करके 1 से 5 तक पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं। ये पांचों क्वेश्चन जो मैथ का है पांचों अलग अलग चैप्टर से रहता है। आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का बताते हैं, वो भी 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है। आइए अब आज का हम लोग 5 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है, यदि संख्या 3 पासे के नीचे फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। ठीक है, फिगर बना हुआ है, 3 फिगर है, 3 फिगर, 2 फिगर बनाया हुआ है, 3-3 का ये वाला 2 फिगर बनाया हुआ है। चलिए चलिए क्या क्या है, 5 है, 1 है, 4 है, उसके बाद क्या है, 6 है, 3 है, 1 है। ठीक है, इतना ऐसा फिगर बना हुआ है, पूछा क्या जा रहा है, 3 के विपरीत फलक पे कौन होगा। देखिए डाइस का सवाल है, हम आपको डाइस सब पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हम आपको उसमें 2 फिगर वाला, 3 फिगर वाला, 4 फिगर वाला सारा बताएं। ठीक है, देखिए इसके 3 का विपरीत पूछा जा रहा है, डाइस का सवाल जब भी रहे, डाइस का सवाल जब भी रहे आपको क्या करना है, आप देखिए कि इन दोनों में ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, दोनों में कौन सा ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, एक ही ऐसा चीज़ है जो दोनों जगह कॉमन है, पहले एक लिख लीजिए, पहले इस फिगर का काम कीजिए फिर इस फिगर का काम कीजिए, चूँकि दोनों जगह पहले एक कॉमन, पहले क्या दोनों जगह एक कॉमन है इसीलिए एक लिखा जा रहा है पहले, अब ई एक के बाद कॉमन है ना एक, इसके बाद क्लॉक वाइज में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है, एक के बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा 5, उसके बाद आएगा 4। ठीक है, अब इस फिगर का काम करना है, एक के बाद घड़ी की दिशा में कौन आएगा, एक के बाद क्लॉक वाइज में घड़ी की दिशा में आएगा 3, उसके बाद आएगा 6, तो एक पहले इस फिगर का काम कर रहा है, एक यहाँ लिख लीजिए, एक के बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 6, ई जो दर्शाता है ना ये एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। ठीक है, देखिए तो अब 3 का उल्टा पूछा जा रहा है, 3 का उल्टा क्या आ जाएगा 5, 3 का उल्टा क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। 6 का बोलता 4, 4 का 6, 1 का बोलता क्या बोलते 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, पासा में 6 तक होता है, क्या नहीं है 2, 1 का पूछता विपरीत तो 2 हो जाता है, पूछा जा रहा 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, किस ऑप्शन में है 3 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए, क्या क्या दिया बीमारियां हैं, क्या क्या दिया हुआ बीमारियां हैं, बीमारियां हैं, उसके बाद क्या रतौंधी है, बीमारियां हैं, रतौंधी है, उसके बाद क्या है रतौंधी, उसके बाद कैंसर है। ठीक है, बीमारियां हैं, देखिए दिया हुआ है बीमारियाँ, दिया हुआ है रतौंधी है और कैंसर है, बोल रहा है सबसे ज़्यादा इसमें संबंध कौन सा ऐसा चारों फिगर है जो इनके बीच संबंध को दर्शाता है। आप देखिए तो अब देखिए तो रतौंधी और कैंसर जो है वो तो बीमारी के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब रतौंधी और कैंसर एक ही है क्या, नहीं, रतौंधी और कैंसर रतौंधी हो सकता है, नहीं, रतौंधी कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन रतौंधी और कैंसर जो बीमारियाँ के अंदर ही आएगा, आई दोनों के बीच कोई संबंध भी नहीं है, मतलब ये दोनों तो अलग अलग रहेगा, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो ये रतौंधी और कैंसर तो अलग अलग रहेगा, और ये दोनों जो आता बीमारी के अंदर ही आता है, तो ये दोनों किसके अंदर आ जाएगा, बीमारी के अंदर आ जाएगा, तो यही वाला फिगर हो जाएगा आंसर। बाहर बड़ा बीमारी होगी या बीमारियाँ, अंदर आपको जिसको जो मानने का मन है रतौंधी और कैंसर मान सकते हैं, यही वाला फिगर हो जाएगा। ये फिगर ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। देखें तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, पहला नंबर में दिया एस ई ए, एस ई ए एम ए एन, ठीक है, पहला है, दूसरा क्या है एस सी आर यू पी एल ई एस, दूसरा हो गया, ठीक है,
तीसरा क्या दिया हुआ है SCRIPT, तीसरा हो गया। चौथा क्या दिया हुआ है, चौथा SECOND सेकेंड है। अब पांचवा क्या दिया हुआ है, पांचवा SCAT, इसको बोला जा रहा है, ये पांचों दिया हुआ है, इसको बोला जा रहा है क्या, शब्दकोश के क्रम में लिखना है, ठीक है। चलिए पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, आपको ABCD आता ना जेड तक, सवाल खत्म है। चलिए देखते हैं, इसका पहले एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है। अभी तक तो हम लोग को नहीं पता चला कौन पहले है कौन बाद, सब में एस ही है पहला, दूसरा वाला में इसमें ई है, इसमें सी है, ई है, सी है, ई है, अच्छा सी और ई का कॉम्बिनेशन चल रहा है, सी और ई है हर जगह। तो ABCD में पहले सी आता है कि ई आता है, ABC पहले सी आता है, तो पहले सी वाला होगा फिर बाद में ई वाला होगा। सी वाला कहाँ 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 है, यहाँ यहाँ है, सी वाला दो और तीन में है। अब ये तो फिक्स हो गया कि दो और तीन ही पहला और दूसरा में बैठेगा, क्योंकि सी ई से पहले सी आता है, सी इन दोनों में है, दो और तीन नंबर वाला में सी है दूसरे पे, तो अब ये तो फिक्स हो गया दूसरे पहले और दूसरे नंबर पे यही दोनों बैठेगा। कौन बैठेगा पहले आगे चेक करते हैं, सी के बाद आर है, यहाँ पे सी के बाद आर है, अभी पता नहीं चलेगा कौन बैठेगा। आगे देखते हैं, आर के बाद आई है, आर के बाद यू है। अब ABCD में पहले आई आता है कि यू आता है, ABCDEFG आई, पहले आई आता है तब न यू आता है, STU आता है, पहले आई आता है, तो आई आएगा पहले हो जाएगा ई, पहला नंबर में आ जाएगा तीन वाला। अब फिक्स है दूसरा सी पहले, सी एन वाला में पहले होगा, दूसरा वाला में ये आ जाएगा, दूसरा में हो जाएगा दो नंबर का। चलिए अब तीसरा चौथा पाँचवा चेक करते हैं, अभी इन तीनों बच गया है, ये दोनों तो ख़त्म ही हो गया। चलिए इसमें SE है, SE है, SE है, नहीं पता चला। आगे A है, तीसरा नंबर पे A है, तीसरा नंबर पे C है, तीसरा नंबर पे A है, तो A और C में तो पहले A ही आता है, A यहाँ है, A यहाँ है। अब फिक्स है एक दो हो गया, अब तीसरा चौथा नंबर में तो यही दोनों बैठेगा। अब पांचवा नंबर, अब तो फिक्स हो गया पांचवा नंबर में चार ही बैठ जाएगा। और तीसरा चौथा में इन दोनों में चेक करते हैं, ACA ACA, आगे M है, आगे T है, ABCDJKLMNOPQRST, पहले M आता M तब NOPQRST, पहले ABCD में M आता है फिर T आता है, तो पहले ये वाला हो जाएगा, तीन दो के बाद हो जाएगा एक, और उसके बाद ई वाला हो जाएगा पाँच, और लास्ट में तो चार है, क्योंकि देखिए यहाँ ACA आता था आएगा पहले, तब ना सी वाला आएगा, या तीसरा में सी है या तीसरा में ए है, इसलिए पहले ए होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, शब्दकोश के अनुसार 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4 पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करने बोला है, कैसा फिगर है देखिए, तो इस तरह का फिगर बना हुआ है, इसमें बोला क्या जा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। 260 है, 132 है, 68 है, 68 है, 36 है, 20 है, यहाँ पे जा रहा है वाट क्या होगा, ठीक है। देखिए अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसा सवाल में कहीं ये नहीं दिया रहता कि आपको इधर से कीजिए कि उधर से कीजिए, आपको खुद थिंक करना पड़ेगा कैसे सॉल्व होगा, हम लोग कोशिश करते हैं निकालने का। देखिए 20 और 36 में कितना बढ़ रहा है, 16, समझिएगा आप बात को। 36 और 68 में देखिए तो 36 4 40, 28 4 32, 32 बढ़ रहा है, यहाँ 16 बढ़ा, यहाँ 32 बढ़ा, कहीं ऐसे तो नहीं बढ़ रहा। चलिए चेक करते, 16 16 दूना 32 32 दूना 64, अब 68 में 64 जोड़िए तो 8 4 12 के दो हाथ मेरा, 1 6 6 12 13, हाँ 16 जोड़ा 32 जुटा 64 जुटा, अब क्या जुटेगा 128, अब इसमें जोड़िए तो 8 2 10 के 0 हाथ मेरा, 1 3 2 5 1 6 1 1 2, हाँ ये भी हो गया। अब कितना जुटेगा 128, यदि इसका डबल कीजिएगा तो आंसर तो बहुत आ जाएगा, आंसर ऑप्शन भी। आखिर में कोई भी सवाल आप बनाइए तो थोड़ा सा एक बार ऑप्शन भी तो आदमी चेक करता है कि किस हिसाब से फॉलो कर रहा है, तो उतना बड़ा ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, 16 32 16 दुना 32 32 64 64 दुना 128, सबका दोगुना बढ़ रहा है, यहाँ पे हो सके यहीं से स्टार्ट हुआ हो गाड़ी, 8 बढ़ रहा हो यहाँ, तब ना 8 दुना 16 16 दुना 32 32 दुना 64 64 दुना 128 हुआ है, समझिए आप यहीं से समझिए बढ़ा है। तो देखिए यहाँ कितना लिखिएगा, यहाँ पे यदि आप 12 रहेगा, यहाँ पे यदि 12 रहेगा वाट के जगह में 12 रहेगा तभी ना होगा, देखिए 12 में 8 जोड़िएगा 20,
फिर 8 × 16 जूठा, फिर 32, फिर 64, फिर 128। समझ में आ रहा है आपको बात? यहीं से कहानी स्टार्ट हुआ था, यहीं से 8 जूठा, फिर 16, फिर 32। यहाँ वाट की जगह पे आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में है देखिए तो, किस ऑप्शन में आंसर 12, देखिए तो किस ऑप्शन में है 12, एक नंबर ऑप्शन, एक नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा 12 आंसर। देखिए तो दसवां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दसवां नंबर क्वेश्चन है 5 है, 13 है, 29 है, उसके बाद क्या है 61 है, उसके बाद 125 है। अब पूछा जा रहा है वाट क्या होगा, ठीक है, इतना में वाट दिया हुआ है। क्या है दस नंबर क्वेश्चन? 5 है, 13 है, 29 है, 61, 125 है, तो यहाँ पूछा जा रहा है वाट क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सबको, पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए तो 5 का, देखिए 5 का 2 गुना कीजिए तो 5 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुना 10, और 10 में 3 जोड़ देने से 13 हो जा रहा है, ठीक है। 5 को 2 गुना किया, 3 जोड़ दिया, 13 निकल गया। आगे भी देखते हैं, 13 को भी 2 से गुना करते हैं, 26 और 3 जोड़ देते हैं, 26 × 3 = 29 निकल गया। अब 29 को भी 2 से गुना कीजिए तो 29 को 2 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 20 × 2 = 40 और 9 × 2 = 18 58, और 3 जोड़ दीजिएगा 58, 3 जोड़ दिएगा तो 61 हो जाएगा। हाँ, यहाँ भी ठीक हो गया। इसको भी 3 गुना कीजिए, सॉरी 2 गुना कीजिए और 3 जोड़ दीजिए, 61 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 120 और 2 = 122 और 3 जोड़िएगा तो 125 निकल गया, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे तब आंसर क्या हो जाएगा, 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, 3 जोड़ना है, 125 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 और इसमें 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 253। यहाँ पे क्या हो जाएगा वाट की जगह में 253, किस ऑप्शन में 253, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर 253। देखिए हम आपको रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ के, रोज रात 9 बजे 1 से 5 तक पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं। ये पांचों क्वेश्चन 5 अलग अलग चैप्टर का होता है और लेटेस्ट का 2016 से लेकर अभी तक के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन रहता है। आखिरी का क्वेश्चन 6 से 10 तक ये रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, ये भी 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसीलिए देखिए आप लोग रोज रात 9 बजे, आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए, सिर्फ संडे को छोड़ करके कॉपी और पेन लेके बैठिए, 10 क्वेश्चन का आप लोग आंसर पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आपका 10 में से कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर जो दीजिएगा। देखिए 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।